हाय, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं XUV700 के ऊपर। XUV700 हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है ना भाई, जो महिंद्रा की गाड़ियों की अगर हम लोग बात करें, वैसे तो इनकी सेल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी है। चाहे हम लोग बात करें इनकी स्कॉर्पियो एन की, चाहे हम लोग बात करें इनकी थार की, चाहे हम बात करें अपकमिंग कार्स की भी, हर गाड़ी का बहुत नेक्स्ट लेवल का क्रेज़ है लोगों के अंदर। एंड XUV700 एक वैसा ही प्रोडक्ट है जिसके लिए हर लोग बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं। और वेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो जिन लोगों ने बुक कर रखी है उन सबको पता है कि भैया सीधा बोला जाता है कि एक साल तो आपको लगेगा ही लगेगा। अब ये जो गाड़ियाँ मैंने आपको बताई है, इनमें से कंपनी ने चूज किया है XUV700 को उसका इलेक्ट्रिक वर्जन लाने के लिए। आपको पता है कि टाटा ने भी अभी रिसेंटली अपने टाटा हैरियर को लॉन्च किया था इन इलेक्ट्रिक वर्जन। तो इन दोनों कार्स को काउंटर करने के लिए ही महिंद्रा अपनी XUV700 को रेडी कर रहा है, ताकि वो इन दोनों गाड़ियों को बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दे सके। अभी तक पता है क्या माइंडसेट चल रहा है हम लोगों का, कि कहीं ना कहीं ना इलेक्ट्रिक कार्स को काफ़ी लाइटली लेते हैं कि यार ठीक है, देखेंगे आएगा जब होगा ये होगा। लेकिन कंपनीज बहुत सीरियसली, ब्रांड्स बहुत सीरियसली इसके ऊपर लगे हुए हैं। और जो बोला जाता है ना कि यार 2030-35 तक हमारी सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक होने वाली है, वो बिल्कुल होने वाली है दोस्त। इनफैक्ट आज की डेट में भी हम लोग बात करें तो अगर हम ईवी कार्स की बात करते हैं तो टाटा की, जैसे नेक्सॉन की हम लोग बात करते हैं, तो इतनी अच्छी खासी सेल फिगर्स हैं उसकी, तो वहाँ से समझ आता है कि हाँ, लोग बहुत स्पीड से अडेप्ट कर रहे हैं। और जितनी भी हमारी ये गाड़ियाँ जो एग्जिस्टिंग कार्स है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाली है हमारी इलेक्ट्रिक कार से। बहुत जल्दी तो टाइम नहीं है, सालों का टाइम है, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अब हमें मेंटली तैयार हो जाना चाहिए कि यस, द टाइम इज़ अबाउट टू कम। महिंद्रा की 5 अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार्स है जो इनके इंग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इन सब गाड़ियों में से जो सबसे ज़्यादा क्रेजीएस्ट कार होने वाली है, दैट इज़ XUV700, क्योंकि जो गाड़ी एग्जिस्टिंग अपना क्रेज़ बना लेती है ना, उसका इलेक्ट्रिक वर्जन जब आता है तो दैट इज़ यू नो अप टू नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार में एक चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हमने अभी तक जितनी भी देखी हैं, चाहे हमने बजट कार्स में देखी है, चाहे हमने प्रीमियम में देखी है, उनके लुक्स के ऊपर बहुत काम किया जाता है। गाड़ियाँ स्मार्ट बहुत लगती है, चाहे बात करें एक्सटीरियर से, चाहे बात करें इंटीरियर से। तो XUV700 के अंदर भी आपको क्या क्या मिलने वाला है, अब बताते हैं आपको वो। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी का नाम क्या होने वाला है। इस गाड़ी का नाम होने वाला है XUV E8, जो हमारा XUV700 का इलेक्ट्रिफाइड वर्जन होने वाला है। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो आप इसको नॉर्मल ड्राइव के साथ ले सकते हैं, या फिर आप इसको ऑल व्हील ड्राइव के साथ ले सकते हैं। नॉर्मल अगर आप लेंगे तो आपको रियर माउंटेड मोटर मिल जाएगी, और अगर आप यहाँ पे ऑल व्हील ड्राइव के साथ लेंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूअल मोटर मिल जाएगी। एक आपकी प्लेस की जाएगी फ्रंट में और दूसरे मोटर आपकी प्लेस की जाएगी रियर में, ताकि जो आपके सारे व्हील्स हैं वो आपको ऑल व्हील ड्राइव वाली परफॉर्मेंस दे सकें। एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटिस में आई है वो है कि इस कार के अंदर जो आपका रियर पार्ट है, वहाँ पर इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से आपको XUV E8 के अंदर बहुत ज़्यादा कम्फर्ट मिलने वाला है, जो आजकल आपको बहुत ही कम गाड़ियों में देखने को मिलता है। अगर मैं बजट कार्स की बात करूँ तो पहले आपकी इंडिगो आती थी, उनके अंदर आपको ये मिलता था। लेकिन आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें तो इंडिपेंडेंट सस्पेंशन फॉर द रियर पैसेंजर्स बहुत रेयर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको वो मिलने वाला है, ताकि एड ऑन कंफर्ट हो जाए। और ये जो चीज़ें आपको हम डिटेल्स बता रहे हैं सारी, वो आपको मैं बता रही हूँ टेस्टिंग के बेस पे, जो गाड़ी हमारी ट्रैक की गई है, क्योंकि गाड़ी आपकी टेस्टिंग में आ चुकी है, मीन्स प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल रेडी है। बस टेस्ट होती, जैसे ही गाड़ी को थम्स अप मिल जाएगा, स्पीड से गाड़ी का बनना शुरू हो जाएगा। कई लोग इस पे डाउट करते हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं होने वाला, वैसा नहीं होने वाला, लेकिन दोस्त जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है वो सारी लीक्ड इमेजेस से, जो भी चीज़ हमने या तो हमने खुद देख ली है, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर ये चीज़ें सारी शेयर की जाती हैं, वहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म से उन इन्फॉर्मेशन को पिक करके हम आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आप बिल्कुल अप टू डेट रहें कि नया प्रोडक्ट क्या आने वाला है, आपको उसका वेट करना या नहीं करना, और आपको अलग 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 जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। हम आपको वो सारी चीज़ें क्लब अप करके एक ही जगह पर दिखा देते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, जो आपको मैंने बताया कि ये जो गाड़ी आपकी बन रही है, इनफैक्ट जो महिंद्रा की जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, वो आपकी इंग्लो प्लेटफॉर्म पर बन रही है। इंग्लो प्लेटफॉर्म को सोर्स किया गया है वॉक्सवैगन से, और वॉक्सवैगन इसको कहता है, फॉक्सवैगन भी आप इसे कह सकते हैं, मैं वॉक्स ही कहती हूँ, मुझे वही बोलना में अच्छा लगता है। इसको जो वॉक्सवैगन कहती है, वो इसे कहती है MEB EV। इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि ये बहुत स्केलेबल है। इससे आप बहुत स्केलेबल का मतलब हो गया कि आप बहुत सारी गाड़ियाँ अच्छे खासे स्केल पे बहुत जल्दी बना सकते हैं, और किसी भी डायमेंशन की कार यहाँ पर किसी भी डिज़ाइन, किसी भी डायमेंशन को बहुत ईजिली अडेप्ट करके इस
प्लेटफॉर्म के जरिए गाड़ी को बहुत स्पीड से रेडी किया जा सकता है। अब बात करते हैं इस कार की बैटरी की। यहाँ पर बैटरी में आपके पास दो ऑप्शन है, एक है 60 किलोवाट आवर और दूसरा है आपका 80 किलोवाट आवर। अगर आप सिंगल मोटर वाले ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे तो 60 किलोवाट आवर की बैटरी पैक आपको मिल जाएगा, और अगर आप ड्यूअल मोटर ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका बैटरी साइज हो जाएगा 80 किलोवाट आवर। यहाँ पर XUV 700 की सोल को फुल ऑन मेंटेन किया गया है। चाहे वो बहुत सारे आपके लुक्स में आप बोलें तो आपको गाड़ी काफ़ी सारी सेम लगने वाली है। थोड़ा बहुत ग्रिल वगैरह को चेंज करेंगे, ऑब्वियसली इसमें ग्रिल की ज़रूरत नहीं होती तो उस पार्ट को बंद बंद कर दिया जाएगा। वो थोड़ा सा कॉस्मेटिक चेंजेस ऑब्वियसली होने वाले हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो जैसे जो भी हमारे XUV 700 के प्लस पॉइंट्स है, जैसे हम लोग बात करते हैं अडास की, हम लोग बात करते हैं 360 डिग्री कैमरा की, हम लोग बात करते हैं पैनोरामिक सनरूफ की, ये सारी चीज़ें आपको इस कार के अंदर मिलने वाली है, इंक्लूडिंग योर फ्लश डोर्स। तो डिजाइनिंग में मैंने आपको बताया कि डिजाइनिंग में बहुत बड़ा चेंजेस कुछ होने वाले नहीं है, गाड़ी आपको बिल्कुल सेम ही दिखने वाली है। और लॉन्च डेट की अगर हम लोग बात करें कि गाड़ी हमारे सामने कब होगी, E8 हमारे सामने कब होगी, तो ये कार हमें एंड ऑफ 2024 या फिर स्टार्टिंग ऑफ 2025 तक गाड़ी आपको दिख जाएगी, मीन्स हम आपको प्रोडक्ट दिखा देंगे। तो दोस्त ये थी हमारी XUV 700 इलेक्ट्रिक वर्जन। गाड़ी का बता दिया मैंने, थोड़ा टाइम है कार को आने में, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक कार्स को प्लान कर रहे हैं और आप महिंद्रा का वेट कर रहे हैं तो आई थिंक E8 वर्थ वेटिंग कार है। और थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा पैसा सोच समझ के खर्च कीजिएगा। प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो ये गाड़ी प्राइस टच करेगी 30 लाख तक का, हमारे हिसाब से 30 लाख तक जाना चाहिए, क्योंकि हम वहाँ पे गैसोलीन का आइडिया ले रहे हैं कि अगर उसमें इतना आता है तो इलेक्ट्रिक में थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ लिथियम आयन बैटरी, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है थोड़ी सी महंगी होने वाली है। बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करेगी कंपनी, अदरवाइज प्रोडक्ट फ्लॉप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉम्पिटिशन जिस हिसाब से हो रहा है और हाइब्रिड को हम जितने दिलो जान से एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर अब मुझे लगने लगा है कि इलेक्ट्रिक कार्स वालों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, गाड़ियाँ ज़्यादा महंगी करेंगे तो नहीं चलने वाली। एंड प्लस इसका जो कंपटीशन हो रहा है वो भी हम लोग कह रहे हैं कि टाटा हैरियर ईवी के साथ, टाटा सियारा ईवी के साथ है, तो वो हल्का कंपटीशन नहीं है। तो प्राइस सबसे बड़ा गेम होने वाला है यहाँ पर कि कस्टमर को कौन जल्दी अट्रैक्ट कर पाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट वो भी बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट ये भी बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, लव यू ऑल बाय। और मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह पर हूँ, सीरियसली गर्मी के मौसम में ऐसी जगह आपको मिल जाए तो वो हेवन है। एंड बता देती हूँ, शिमला में घूम रही हूँ।